आज गंगा सप्तमी के दिन गंगा जी की कथा सुनने से बहुत ही पुण्य की प्राप्ति होती है और पितरों को मोक्ष मिलता है। वीडियो में बताई गई काफ़ी जानकारी आपको पहले से होगी, लेकिन बहुत कुछ चीज़ें आपको ऐसी भी जानने को मिलेंगी जो आपने नहीं जानते होंगे। इस एक ही वीडियो में आपको फ़र्क बताऊंगा क्या गंगा सप्तमी और गंगा दशहरे में फ़र्क है। नारायणी शिला के दर्शन करवाऊंगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा पिंडदान का महत्व है। त्रिदेव को स्पर्श करके कैसे गंगा जी धरती पे आई वो बताऊंगा। कुंभ का मेला हरिद्वार में क्यों लगता है वो आपको बताऊंगा। कहाँ कहाँ गंगा जी बहती हैं, गंगा जी के कहाँ कहाँ पे संगम है, 7 प्रयागों के बारे में बताऊंगा। गंगा जी ने क्यों अपने 7 पुत्रों को मार दिया, गंगा जी में बहा दिया वो बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं, आज गंगा सप्तमी है, लॉकडाउन है, आप देख रहे हैं पूरे हरिद्वार में कोई नहीं है और गंगा जी का पानी इतना स्वच्छ है क्योंकि सभी फैक्ट्रियां बंद हैं, इंडस्ट्रीज बंद हैं। तो हकीकत में देखा जाए तो वायरस तो इंसान है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आज गंगा सप्तमी है यानी जिसे गंगा जयंती कहा जाता है। आज ही के दिन गंगा जी ब्रह्मा जी के कमंडल से निकलकर भगवान महादेव की जटाओं में पहुंची थी। पूरी कथा बाद में सुनाऊंगा। तो आज का दिन वैशाख मास शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा जयंती के दिन से जाना जाता है। अब बात करते हैं गंगा दशहरा की। तो महादेव की जटाओं से धरती पर पहुंची थी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को, जिसे गंगा दशहरा के नाम से जाना जाता है। तो क्यों महादेव की जटा में पहुंची, कैसे जटा से धरती पर पहुंची वो कथा मैं आपको बाद में सुनाता हूँ। तो आज के दिन क्या करना चाहिए, आज के दिन गंगा जयंती के दिन सुबह सुबह गंगा जल लेके बाल्टी में डालें, क्योंकि गंगा जी में जाके लॉकडाउन की वजह से तो आप स्नान कर नहीं सकते। तो गंगा जी का जल लेके बाल्टी में डालें और हर हर गंगे का 11 बार जाप करें और फिर उसी जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद फिर एक लोटे में गंगा जी का जल लें, सादे जल में गंगा जी का जल मिलाएं। ये देखिए कितना स्वच्छ पानी हो चुका है हरिद्वार में बिना इंसान के। और उस जल से भगवान विष्णु को या भगवान कृष्ण को स्नान करवाएं और जो स्नान का बचा हुआ जल हो उसे प्रसाद समझकर ग्रहण करें, हर हर गंगे बोल के 11 बार। आज के दिन दान पुण्य की बहुत महिमा है। ऐसे तो गंगा जी का हर किनारे पे श्राद्ध किया जाता है। 7 प्रयागों में श्राद्ध होता है, बद्रीनाथ केदारनाथ में श्राद्ध होता है, अनगिनत जगहों पे श्राद्ध होता है, हर किनारे पे श्राद्ध होता है। लेकिन आज हम बात करेंगे हरिद्वार की। तो हरिद्वार में 3 जगह पे खास श्राद्ध होता है। एक होता है ब्रह्मघाट जिसे आप जानते हैं हर की पौड़ी पे, लेकिन अभी आप जो मेन जगह है जिसे नारायणी शिला कहा जाता है अभी आप उसके दर्शन कर रहे हैं। एक बार गया राक्षस बद्रीनाथ पहुंचा और विष्णु जी का कमलासन उठा के ले जा रहा था, यही है नारायणी शिला। तो विष्णु जी ने मना किया और गया राक्षस नहीं माना, तो भगवान विष्णु और गया राक्षस के बीच में युद्ध हुआ। तब विष्णु जी ने गदा उठाकर फेंकी तो गया राक्षस ने कमलासन को बीच में ले आया, उसके 3 टुकड़े हुए। देखिए यहाँ पे अंदर मंदिर में हवन होता है और यहाँ पे लोग आके छोटे छोटे घर बना के जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ छोटा सा घर बनाया तो पितरों को स्वर्ग लोक में घर की प्राप्ति होती है, लेकिन आजकल जगह का अभाव होने की वजह से वहाँ घर बनाने बंद से हो गए हैं। तो विष्णु जी ने गया राक्षस के ऊपर गधे से प्रहार किया और वो कमलासन को बीच में ले आया और कमलासन के 3 टुकड़े हो गए। तो एक टुकड़ा यहाँ पे हरिद्वार में आके गिरा जिसे नारायण शिला कहा जाता है। यहाँ पे आके किए गए श्राद्ध से पितरों मोक्ष को प्राप्त करते हैं। दूसरा टुकड़ा गिरा गया में,
जिसे हम गया जी के नाम से जानते हैं। वहाँ पे मनुष्यों का तर्पण होता है, नारायणी शिला में ऋषि मुनियों का तर्पण होता है, तो मनुष्य का तर्पण करें तो बात ही कुछ अलग है। और मेन टुकड़ा गिरा था बद्रीनाथ में, जिसे ब्रह्म कपाल के नाम से जाना जाता है। देवताओं का श्राद्ध वहाँ पे किया जाता है। एक बार महादेव ने कुछ ब्रह्मा जी का सर काट दिया, क्योंकि ब्रह्मा जी के एक मुख से कुछ ऐसी बात निकली कि महादेव ने उनका सर काट दिया, उनको ब्रह्म हत्या का पाप लगा और वो पाप भी उनका बद्रीनाथ के ब्रह्म कपाल में जाके हटा था। तो ये तीन जगहें प्रमुख हैं श्राद्ध तर्पण के लिए। लोग मृत्यु पश्चात यहाँ पे पिंडदान के लिए आते हैं, और जिन्हें पितृदोष होता है वो अपने पितृदोष को दूर करने के लिए यहाँ पे आते हैं। स्कंद पुराण के केदार खंड में इसका वर्णन किया गया है, लिखा गया है। काफ़ी कथाएं बाकी हैं, तो अंत तक बने रहिएगा। गंगा जी धरती पर कैसे आए? तो आने से पहले वामन अवतार में भगवान वामन ने तीन पग भूमि मांगी थी राजा बलि से। तो पहले पाँव में भगवान ने धरती नाप ली और दूसरे पाँव में आकाश नाप लिया। जब वामन जी का पाँव आकाश में पहुंचा तो भगवान विष्णु के अंगूठे से गंगा जी निकली, और फिर ब्रह्मा जी ने उन्हें अपने कमंडल में रख लिया। काफ़ी समय तक वो कमंडल में रही, और फिर बाद में राजा भगीरथ के तप करने की वजह से गंगा जी ने धरती पर जाने का फैसला लिया। लेकिन धरती फट जाती अगर सीधा प्रवाह गंगा जी का धरती पर आता, तो महादेव ने गंगा जी को अपने जटाओं में धारण किया और अलग अलग जटाओं से फिर गंगा जी बहती हुई धरती पर आई। तो इसीलिए त्रिदेवों को छूते हुए गंगा जी आई हैं। तो गंगा जी में स्नान करने से त्रिदेवों के दर्शन का पुण्य का फल मिलता है। आगे कथा सुनाते हैं कि महादेव के जटाओं तक तो गंगा जी पहुंच गए, लेकिन धरती पर कैसे आए? सगर राजा के 60,000 पुत्र थे जो राम के भगवान के पूर्वज थे। उन्होंने एक यज्ञ किया, तो यज्ञ का घोड़ा लेके निकले थे, लेकिन इंद्रदेव ने घोड़ा जाके छुपा दिया एक ऋषि के पास में, और सगर राजा के पुत्रों को लगा कि ऋषि ने घोड़ा चुराया है। उन्होंने उल्टा सीधा बोला ऋषि को, और ऋषि ने श्राप दे दिया उनके 60,000 पुत्रों को, और वो वहीं पे भस्म हो गए और भूत बनकर भटकते रहे। उनके उद्धार के लिए कई पीढ़ियों ने साधना की, कितने लोग मर गए पर गंगा जी धरती पर नहीं आए। फिर अंशुमन राजा ने तप किया, फिर भी नहीं आए। फिर दिलीप राजा ने तप किया, फिर भी गंगा जी धरती पर नहीं आए। फिर उसके बाद में उनके पुत्र भागीरथ जी ने तप किया, तब गंगा जी प्रसन्न हुई और धरती पर आने का फैसला लिया। तो भागीरथ जी के तप की वजह से वो धरती पर आई, इसीलिए उन्हें गंगा जी को भागीरथी भी कहा जाता है। आप समझ सकते हैं कि गंगा जी को धरती पर लाने के लिए कितनी पीढ़ियों ने तप किया, उसका कितना पुण्य है। हरिद्वार का पहले नाम था मायापुरी, तो मायापुरी शक्तिपीठ के दर्शन करने ज़रूर जाएं। दक्षेश्वर महादेव, मनसा देवी, चंडी देवी, इन सब जगहों के दर्शन करने जाएं। इन सब के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं। सात प्रयागों में जाके गंगा जी का संगम होता है, उन सब की भी लिंक मैंने नीचे दी है, उनके भी दर्शन करिएगा। गया जी, बद्रीनाथ, प्रयागराज में जाके गंगा जी का संगम होता है, उनकी भी लिंक दी है। गंगा जी का विवाह हुआ था, आगे कथा सुनाता हूँ क्यों गंगा जी ने अपने सात पुत्रों को मार दिया, गंगा जी में बहा दिया। तो गंगा जी का विवाह हुआ शांतनु जी के साथ में, लेकिन गंगा जी ने एक शर्त रखी थी कि यार मैं कुछ भी करूं वो आप मुझसे पूछेंगे नहीं। तो गंगा जी ने एक के बाद जन्म लेते ही अपने सातों बेटों को गंगा में बहा दिया। राजा शांतनु ने कुछ नहीं पूछा, लेकिन एक दिन उनसे नहीं रहा गया। तब जाके उन्होंने पूछा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? तब गंगा जी ने बताया कि अब आपने मुझे पूछ लिया है, अब मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी और इस पुत्र को नहीं बहाऊंगी। वो पुत्र थे, महाभारत में आपने नाम सुना होगा, गंगा पुत्र भीष्म पितामह। तब गंगा जी ने बताया कि उन्होंने सात पुत्रों को क्यों बहाया था, तो एक ऋषि का श्राप था कि उनको धरती पर जन्म लेना पड़ेगा, अगर वो धरती पर रहते तो उनको बहुत भुगतना पड़ता,
और उनको वो ना भुगतना पड़े, इसीलिए उन्होंने उनको गंगा जी में बहा दिया। लेकिन गंगा पुत्र भीष्म को नहीं बहा पाई, इसलिए उनका जीवन कैसा गया आप जानते हैं, बाणों की शैया तो पे उनको सोना पड़ा। तो इंसान नहीं समझता है, जब इंसान का भगवान के पास जाने का समय होता है तो उसकी मृत्यु होती है, इंसान को एक नया शरीर मिलने वाला होता है। बोलना नहीं चाहिए लेकिन एक खुशी का समय होता है कि इंसान का पुराना शरीर चला जाता है, या तो वो मोक्ष में जाएगा और या फिर उसे एक पेटी पैक नया शरीर मिलेगा, नई किडनी, नया लीवर, नया हार्ट। तो चलिए अभी आगे कथा की तरफ बढ़ते हैं। जब भी हरिद्वार जाएं, गंगा जी की आरती शाम को ज़रूर देखें। गंगा जल कभी भी ख़राब नहीं होता, भर के घर पे ला के रखें। लेकिन गंगा जी को प्लास्टिक की बोतल में नहीं रखना चाहिए, गंगा जी के जल को पीतल या तांबे के लोटे में ही रखना चाहिए। लेकिन आप 1 लीटर 5 लीटर पानी भर के ला रहे हैं तो प्लास्टिक में ही लाना पड़ेगा, लेकिन घर पे लाके पूजा में इस्तेमाल करते समय उसे तांबे या लोटे के में रखें। गंगा जी की काफ़ी नदियों का संगम होने के बाद भी उनको नाम गंगा जी प्राप्त होता है। मेन है भागीरथी जी, क्योंकि भागीरथ जी लाए थे, और अलकनंदा जी। गंगा जी के मुख्य त्यौहार हैं गंगा सप्तमी, गंगा त्यौहार, दशहरा, कुंभ का मेला, पितृपक्ष। 2525 किलोमीटर की यात्रा करती हैं गंगा जी, 2071 किलोमीटर इंडिया में है और बाकी के बांग्लादेश में होते हुए वो गंगा सागर में जाके मिलती हैं। स्वर्ग रोहिणी से गंगा जी स्टार्ट होती हैं, जहाँ पे पांडव गए थे स्वर्ग जाने के लिए। उसके बाद में वो गौमुख पहुँचती हैं, फिर चार धाम में से गंगोत्री पहुँचती हैं, वहाँ से वो ऋषिकेश पहुँचती हैं जहाँ पे राफ्टिंग भी होता है, फिर वो हरिद्वार पहुँचती हैं, वहाँ से कानपुर, कानपुर से पटना, पटना से काशी, मिर्ज़ापुर, और फिर अलाहाबाद में जाके गंगा जमुना सरस्वती में संगम होता है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ पे गंगोत्री है, कहाँ पे स्वर्गरोहिणी है, और कहाँ पे समुद्र में जाके गंगा सागर जी में वो मिलती हैं। ये सारे प्रयागों का लिंक और आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब कुछ छोड़ चुके साधु जी ने, ना परिवार से मोह है, ना घर से मोह है, ना खाने से मोह है, सब कुछ छोड़ चुके होते हैं साधु, लेकिन वो भी कुंभ के मेले में आते हैं, क्योंकि गंगा जी में कुंभ के मेले में शाही समय में शाही स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। खास करके पितृदोष वाले आते हैं, क्योंकि जिन्हें पितृदोष होता है उन्हें शांति उनकी खत्म हो जाती है, संतान का दुख होता है, बिजनेस में रुकावटें आती हैं, तबीयत ठीक नहीं रहती है। 7 प्रयाग हैं गंगा बनने से पहले, वो 7 जगह पे मिलती हैं। सबसे पहला है केशव प्रयाग, जो इंडिया के लास्ट गांव माना में है, सिर्फ यहीं पे सरस्वती जी के साथ में उनका संगम होता है। सरस्वती जी जहाँ भी देखी जा सकती है, बाकी सभी जगह पे सरस्वती जी लुप्त हैं, वहाँ पे अलकनंदा जी के साथ में उनका संगम होता है। दूसरा है विष्णु प्रयाग, सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। दूसरा है विष्णु प्रयाग, जहाँ पे डोली गंगा अलकनंदा जी से मिलती हैं। तीसरा है नंद प्रयाग, जहाँ नंदाकिनी जी अलकनंदा से मिलती हैं। चौथा है कर्ण प्रयाग, जहाँ पे कर्ण ने तपस्या करके वरदान पाया था, यहाँ पे पिंडारा नदी से मिलती हैं। उसके बाद में है रुद्र प्रयाग, यहाँ पे अलकनंदा जी का संगम होता है मंदाकिनी, यानी जो मंदाकिनी जी आ रही हैं केदारनाथ से, और अलकनंदा जी लगभग बद्रीनाथ जी के आसपास से होके आ रही हैं। और मेन है देव प्रयाग, जो भागीरथी जी को भागीरथ जी लेके आए थे, उनका संगम होता है अलकनंदा जी के साथ में, भगवान महादेव के नाम से है देव प्रयाग। और फिर आगे जाके प्रयागराज में मिलती हैं गंगा जी, गंगा जमुना सरस्वती जी का संगम होता है। 100 से ज़्यादा वीडियो हैं यूट्यूब के ऊपर मेरे, 150 से ज़्यादा मंदिर हैं। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। हर हर गंगे।